जी, मैं कुछ दिनों के लिए मैके जाना चाहती हूँ। बड़ी याद आ रही है माँ की। तो अभी चली जाओ अपनी माँ के पास। आप कितने अच्छे हो कालू जी, मुझे 7 जन्म के पति के रूप में आप ही चाहिए हो। अरे कौरी, 7 जन्म मैं तुम्हें नहीं झेल पाऊंगा। मुझे एक एक जन्म में सुंदर सुंदर पत्नियां चाहिए। हाँ, क्या कहा आपने? वो मजाक कर रहा था। मुझे सौतनों का मजाक पसंद नहीं है कालू जी। हाँ हाँ, अभी जाओ अपनी माँ के पास। ठीक है कालू जी, अगर आपको मेरी याद आए तो मुझे बुलाने मेरी माँ के घर आ जाइएगा। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। बाय बाय। गोरी अपनी माँ के पास चली जाती है और यहाँ कालू कौवा अपनी पत्नी के जाने की खुशी में नाच रहा था। बढ़ियाई, मुझे 7 जन्म में अपना पति बनाने वाली डायन भूतनी कहीं की ना मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने देती है, ना पार्टी करने देती है। जा कहीं जाकर मर जा। तेरे मरने की खुशी में जंगल के सारे पक्षियों के लिए मैं दावत रखूँगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने दोस्त के पास जाता है। अरे यार, तू कब से जेल में था? तुझे देखे हुए तो कहीं महीने हो गए। जब से तेरी शादी हुई है तूने तो अपने घर का एक कैदी बन गया है। क्या करूं यार, मेरी जिससे शादी हुई है वो डॉन से कम है क्या? हर बात पर तलवार थाम लेती है। वो सब छोड़ो, क्या तुझे पता है हमारे जंगल में एक बुलबुल नाम की कबूतरी आई है। उसका फिगर तो मस्त है यार, और उसके लंबे बाल भी हैं, और उसे देखकर तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। उसकी आँखें, क्या बोलूँ यार, मस्त हैं, मस्त। बस बस कर यार, उस कबूतरी की तारीफें सुनकर तो मेरा दिल धड़कने लगा है। अरे कालू, अपने दिल को समझा के रख, उसे देख के मत धड़के, वरना गौरी भाभी तो तेरे साथ मेरा दिल भी धड़कना बंद कर देगी और हम दोनों फोकट में ही मारे जाएंगे गौरी भाभी के हाथ से। अरे यार, गौरी अपनी माँ के पास गई है। वो कुछ दिनों के लिए गई है, अभी मैं अपने घर में अकेला हूँ। अरे जेल में पुलिस नहीं है तो कैदी अब आज़ाद है। अब तो जहाँ चाहे आज़ादी से घूम फिर सकता है। हाँ हाँ, अभी चल उस बुलबुल कबूतरी से मिला मुझे। ना बाबा ना, अगर गौरी भाभी को पता चल गया कि मैंने तुझे किसी दूसरी कबूतरी से मिलवाया है तो वो मुझे मार ही डालेंगी। अरे तू इतना क्यों डर रहा है, वो अपनी माँ के पास गई है, तू ठीक है, चल मिला। फिर वो दोनों उड़ते उड़ते बुलबुल कबूतरी के पास जाते हैं। बुलबुल कबूतरी, इनसे मिलिए, ये हमारे जंगल के कैदी हैं। क्या क्या कहा तुमने? वो हमारे जंगल में रहने वाला कालू कौवा है। हाय कालू जी। हेलो। आप देखने में तो बहुत स्मार्ट हो कालू जी, और बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? अरे जी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप तो बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती हो। जी मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? आप बहुत सुंदर हो, आपको देखकर दिल धड़कने लगा है, क्या मैं आप मेरे साथ डांस करोगी? अरे दोस्त, म्यूजिक तो प्ले करो। इस तरह से कालू और बुलबुल कबूतरी की नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। कालू कौवा और बुलबुल कौवा और बुलबुल कबूतरी हर रोज़ मिलने लगे। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अबे तू बुलबुल कबूतरी के साथ बहुत नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, अगर गौरी भाभी को पता चल गया तो वो पहले मुझे मारेंगी, फिर बुलबुल कबूतरी को मारेंगी, और बाद में तुझे तो कुत्ते की तरह धोएंगी। अरे बस कर यार, इस डायन का नाम क्यों ले रहा है, शुभ शुभ बोलो। और डायन इस जंगल में नहीं है, वो अपनी माँ के घर गई है। जब तक मैं ना बुलाने जाऊँ वो आएगी नहीं, तू चिंता मत कर। ऐसा कहकर कालू वहाँ से बुलबुल कबूतरी के पास जाता है। अरे कालू तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी कि कब कालू आएगा। मुझे तुमसे मेरे मन की बात करनी थी। बताओ बुलबुल कबूतरी।
वो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। बुलबुल कबूतरी की बातें सुनकर कालू कौवे को गौरी की याद आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अरे कालू को अचानक क्या हो गया, बिना कुछ कहे जवाब दिए ही यहाँ से चला गया। बुलबुल कबूतरी काले कौवे के दोस्त के पास जाती है। मुझे कालू से मिलना है, मुझे तुम कालू के घर का पता बताओ, मैं चली जाऊंगी उसके घर। वो क्या कह रहे हो, पता बताओ। पता नहीं, यही बड़े पेड़ के पीछे कालू का घर है। तो वो इतना घबरा के पता क्यों बता रहे हो, क्या उसके घर पर कोई भूत है जो इतना कांप रहे हो। भूत नहीं, डायन रहती है। मजाक की भी हद होती है, मुझे देर हो रही है, मैं कालू के घर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। नहीं नहीं, बुलबुल कबूतरी वहाँ से कालू के घर चली जाती है। कालू तुम मेरी बातों का बिना जवाब दिए वहाँ से चले गए, क्या बात है, अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। ओ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं कर सकते, क्यों कालू, क्या कमी है मुझ में। और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं जानती हूँ, हर रोज तुम मुझसे मिलने आते हो, अगर इसे प्यार नहीं कहते तो क्या कहते हैं। आई लव यू कालू। बुलबुल कबूतरी ऐसा कह ही रही थी, गौरी कव्वी आ जाती है। आई लव यू किसे कह रही है चुड़ैल, तुझसे मतलब कौन है तू, और मुझे चुड़ैल क्यों कह रही है। अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, तू लगती है चुड़ैल और डायन में नहीं। कालू जी ये चुड़ैल मेरे घर में क्या कर रही है, ये आई लव यू क्यों कह रही है और किसे कह रही है। कालू कौवा तो गौरी कौवी को देख कर ही डर जाता है। मैं बताती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, चल जा यहाँ से। अरे बेशरम बेहया, अभी तक यहीं रुकी है, हमें अकेले में बात करनी है, चल जा यहाँ से। बुलबुल कबूतरी के ऐसे कहते ही कालू कौवा रोने लग जाता है। कालू बीबी तुम क्यों रो रहे हो, ये क्या ये तुम्हारी दीदी है। तुम्हारा कालू बेबी क्यों रो रहा है, मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम चाहती हो या धक्के मार के निकालूं तुम्हें यहाँ से, हमारे बीच में क्यों अपनी टांग लड़ा रही हो, जाओ यहाँ से। कालू बेबी ये कौन है तुम तो बताओ। मेरी पत्नी है। तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इट्स ओके, तुम इसे डाइवोर्स दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। कुछ बोलो ना कालू बेबी, बोलो ना कालू बेबी। वो क्या बोलेगा, मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैं डिवोर्स देती हूँ या नहीं। ये ले चुड़ैल मेरे पति पर डोरे डालती है, मेरी सौतन बनना चाहती है, ले और ले। कालू जी पहले इस चुड़ैल को डाइवोर्स का भूत उतार दूँ, फिर आपके सर से डाइवोर्स का भूत उतारती हूँ। रुकिए मैं आती हूँ आपके साथ, पहले इस चुड़ैल को निपटा लेती हूँ। आ चुड़ैल तुझे डाइवोर्स चाहिए ना, देती हूँ डाइवोर्स। गौरी कभी बुलबुल कबूतरी को झाड़ू से मारने लग जाती है। कालू बीबी मुझे बचाओ, देखो ये चुड़ैल किस तरह मुझे मार रही है, कालू सुन रहे हो। बेचारी बुलबुल कबूतरी अपने कालू बेबी को पुकार रही थी, मगर कालू तो इतना सर झुकाकर तमाशा देख रहा था। जिस जबान से तूने मेरे कालू को कालू बेबी और आई लव यू कहा, उसी जबान को जला दूंगी आज मैं। गौरी का ये रूप देखकर बुलबुल कबूतरी कहती है, गौरी दीदी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं कभी भी कालू भैया को आई लव यू नहीं कहूँगी, आने वाले रक्षाबंधन में राखी भी बांधूंगी कालू भैया को। अब मुझे छोड़ दो, मेरी माँ मुझे छोड़ दो। गौरी कभी शांत हो जाती है और बुलबुल कबूतरी वहाँ से भाग जाती है। गौरी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, वो कौन है, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, लगता है वो पागल कबूतरी है। पागल वो नहीं, पागल मैं हूँ, मुझ पर भूत सवार था जो मैंने मन्नत मांगी थी
किस मेरा जीवन साथी अगले 7 जन्म तक कालू कौवा ही रहे, मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं कि मेरा पति कालू अच्छा नहीं है, लुच्चा है, लुच्चा। आज मैं आपको ऐसा मारूंगी कि आपको अगली 7 जन्म तक मेरा मुंह नहीं भूल पाओगे। फिर क्या था, कौरी कालू कौवे को मारने लग जाती है। आ आ आ आ कालू की आवाज़ सुनकर कालू का दोस्त भी आ जाता है। अरे कालू, तू इतना क्यों चीख रहा है? भाभी जी आप आ गई, मैं चलता हूँ। चांदगढ़ गांव के जंगल में टुनटुनी उनकी एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न कबूतरी आती है। उसके साथ उसकी 2 और सहेलियाँ थीं। ये सभी एक कार से आई थीं। मॉडल कबूतरी की आंखों पर महंगे चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी है, बताए देती हूँ, आगे से मुझे चिड़िया हरगिज मत कहना, और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। टुनटुनी घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। जब भी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है, ये लो मेम साहब ठंडा ठंडा पानी। कबूतरी पानी लेकर जैसे ही पानी पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, क्या तुम्हारा यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है, मेरे यहाँ कोई फ्रिज नहीं है, मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। तू तो जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे नाराज़ क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया, मैंने पानी पी लिया, पानी और लाकर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी हैं। चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर से गाँव घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहीं रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मेम साहब, ये गांव है गांव, यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी, मेरा नाम बुलबुल कबूतरी है, तुम मुझे बुलबुल कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी, तुम मुझे अपने जैसा ही एक घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूँगी। लेकिन बुलबुल कबूतरी, मेम साहब इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी दूसरे पक्षी को नहीं देता, ऐसा करिए आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। तोती कौवे, चलो गाड़ी से सारा सामान निकाल कर ले आओ, हम सभी लोग यहाँ टुनटुनी के घर में 2 दिन रुकेंगे। बुलबुल कबूतरी घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी जल्दी से एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है, ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। कबूतरी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाएं। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। बुलबुल कबूतरी हैरान चेहरे से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं, इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर इन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय, गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। व्हाट? टुनटुनी, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सबको ले जाकर गांव घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती बुलबुल कबूतरी से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँ शहर, तुम मेरे साथ शहर चलोगी? ना भाई ना, मैं शहर नहीं चलूँगी, मैंने सुना है शहर में बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं मैं उन गाड़ियों के बीच आ गई तो? तभी टुनटुनी चिड़िया की सहेली कभी कहती है, अरे टुनटुनी तुम बेकार में डर रही हो, अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आएगा कि जमाना कितना आगे निकल गया है।
सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चुड़िया शहर जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी कार में बैठकर शहर आ जाती है और बुलबुल कबूतरी के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चुड़िया की आंखें फटी रह जाती हैं। अगले दिन बुलबुल कबूतरी उसे पूरा शहर घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चुड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव नहीं जाएगी, वो शहर में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो बुलबुल कबूतरी से कहती बुलबुल मैम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो, मैं भी आपकी तरह शहर में रहकर मॉडल बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव जाना नहीं चाहती। बुलबुल कबूतरी उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चुड़िया उस शहर में रहने लगती है।